हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इस यूआई डिजाइन को क्रिएट किए थे, तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। एक्टिविटी में डॉट एक्सएमएल में रिसाइकलर व्यू को हमने इम्प्लीमेंट किए थे एंड इस लेआउट प्रोडक्ट को क्रिएट किए थे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसका जावा कोड क्रिएट करने वाले हैं। तो जावा कोड क्रिएट करने के लिए आपको एक क्लास क्रिएट करनी होगी। तो मैं सबसे पहले इस पैकेज नेम पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ, न्यू एंड जावा क्लास पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट कोई भी आपको नेम दे देना है। तो मैं प्रोडक्ट दे देता हूँ। प्रोडक्ट देने के बाद आपको एंटर करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पब्लिक क्लास प्रोडक्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें आईडी एंटर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, प्राइवेट इंट आईडी। ओके, एंड यहाँ से आपको देना है प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल। इसको क्लोज करना है एंड सेम यहां पे प्राइवेट इंट इमेज। तो मैं बाद में इसको समझाऊंगा कि ये हमने क्यों इंप्लीमेंट किया है। अभी के लिए आपको इसको सिर्फ एंटर करते जाना है, प्राइवेट स्ट्रिंग लिंक। ओके, तो अभी आप देख सकते हो अभी हमने आईडी टाइटल इमेज लिंक को क्रिएट कर दिया। अभी हम इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आपको एंटर करना है एंड यहाँ से आपको राइट क्लिक कर देना है। ओके, एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है जनरेट, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो जैसे में हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर देता हूँ एंड जो भी यहाँ पे है इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट डाउन क्लिक करना है, इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपको शो हो जाएगा। इसके बाद हम गेटर एंड सेटर को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सेम स्टेप है, इसको आपको एंटर करना होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा, जनरेट बटन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है गेटर एंड सेटर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको शिफ्ट डाउन से सिलेक्ट कर देता हूँ एंड ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली प्रोडक्ट का वर्क हो चुका है। हमने इस आईडी को क्रिएट किया, इसके हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिए एंड गेटर एंड शेडर भी क्रिएट कर दिए। अभी हमें सेम जावा क्लास क्रिएट करना होगा क्योंकि अभी हमने तो प्रोडक्ट तो क्रिएट कर दिया, इसका अभी हमें इम्प्लीमेंट एडप्टर में लगाना होगा। तो आपको पता होगा रिसाइकलर व्यू में सबसे पहले हम रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके बाद हम इसका प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं एंड इसका जावा फाइल में भी प्रोडक्ट डॉट जावा क्रिएट करते हैं एंड एडप्टर क्रिएट करते हैं। तो अभी हमारा एक स्टेप बाकी है एडप्टर क्रिएट करना। तो मैं सबसे पहले पैकेज नेम पे क्लिक कर देता हूँ, राइट पे क्लिक कर देता हूँ, न्यू एंड जावा क्लास एंड यहाँ पे दे देता हूँ प्रोडक्ट एडप्टर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कैपिटल में रखना है प्रोडक्ट एडप्टर एंड यहाँ से आपको सेम एंटर कर देना है। ये होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एडप्टर क्रिएट हो चुका है। अभी आपको इसको एंटर करना है एंड यहाँ से आपको एंटर करते जाना है क्लास प्रोडक्ट व्यू होल्डर। तो आपको बाय डिफॉल्ट अच्छे से इसको लिखते जाना है प्रोडक्ट व्यू होल्डर एंड इसको एक्सटेंड करना है एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। ओके, एंड इसको आपको ब्रैकेट से क्लोज कर देना। तो अभी यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। तो मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे बल्ब शो होगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, अभी आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसको क्या करते हैं, एंटर करते जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है इस रिसाइकलर व्यू होल्डर में आपको जो भी हमने लेआउट प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट किया है उसको हमें डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले हमने कार्ड व्यू क्रिएट किया था। ओके, एंड इसके बाद रिलेटिव लेआउट में हमने सर्कुलर इमेज व्यू एंड टेक्स्ट व्यू, मीन्स हमें तीन बटन को
इंप्लीमेंट करना है। तो अभी हम प्रोडक्ट अडॉप्टर में चले जाते हैं एंड कार्ड व्यू को सबसे पहले इंप्लीमेंट करते हैं। कार्ड व्यू एंड इसको आपको आईडी दे देनी है, मीन्स नेम दे देना है कार्ड व्यू। एंड सेम इमेज व्यू इसको भी नेम दे देंगे हम इमेज व्यू। टेक्स्ट व्यू एंड इसको भी नेम दे देंगे टेक्स्ट व्यू टाइटल। टेक्स्ट व्यू टाइटल ये होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको हम आईडी डिक्लेयर कर देंगे, मीन्स फाइंड व्यू बाय आईडी। तो कार्ड व्यू नेम यहाँ से उठा लेते हैं हम, कार्ड व्यू इज इक्वल टू आइटम व्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे आइटम व्यू पे ही क्लिक करना है ना, इसलिए हम आइटम व्यू पे इसको सिलेक्ट कर देते हैं। आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, सॉरी हमने यहाँ पे डॉट नहीं दिया इसलिए एरर शो हो रहा था, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट कार्ड व्यू, क्योंकि हमने कार्ड व्यू की भी आईडी सिलेक्ट की थी। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो कार्ड व्यू की जो आईडी दी थी हमने, कार्ड व्यू दी थी, इसलिए यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया कार्ड व्यू। अभी हम इमेज व्यू यहाँ से ले लेते हैं, इमेज व्यू इज इक्वल टू सेम आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट इमेज व्यू। तो आप देख सकते हो हमने इमेज व्यू को भी इम्प्लीमेंट कर दिए। अभी हम टेक्स्ट व्यू को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। नेम दिया था हमने टेक्स्ट व्यू टाइटल इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू टाइटल। ओके एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले इस कोड को समझा देता हूँ। ये जो लेआउट प्रोडक्ट है, इसमें हमने कार्ड व्यू को इम्प्लीमेंट किए थे, इमेज व्यू को एंड टेक्स्ट व्यू को, इसी को ही हमने यहाँ पे अच्छे से डिक्लेयर कर दिया रिसाइकलर व्यू डॉट होल्डर में। ओके अभी हमें क्या क्रिएट करना है, पब्लिक क्लास एडप्टर के ऊपर चला जाना है। ओके तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू से। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट एडप्टर एंड यहाँ से आपको एरे में दे देना आपको प्रोडक्ट व्यू होल्डर। मैं यहाँ से दे देता हूँ, इस एरे में प्रोवाइड कर देता हूँ प्रोडक्ट व्यू होल्डर, बट यहाँ पे आपको एरर दिखेगा। तो इस एरर को रिजोल्व करने के लिए आपको सेम इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, अरे हो चुका हमारा सिलेक्ट, एंड इस बल्ब पे क्लिक कर देना है एंड इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑन क्रिएट व्यू होल्डर ऑन बाइंड होल्डर एंड गेट आइटम काउंट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आप देख सकते हो जो भी मेथड थे वो क्रिएट हो चुके। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले गेट आइटम काउंट का कोड एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो सॉरी हम इसको बाद में क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम प्रोडक्ट लिस्ट व्यू एंड कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देंगे। तो मैं सबसे पहले प्राइवेट यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे कोई भी आप नेम एंटर कर सकते हो, mtx प्राइवेट लिस्ट एंड यहाँ से आपको प्रोडक्ट चूज कर देना है। तो मैं दे देता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट एंड यहाँ से आपको प्रोडक्ट लिस्ट जो भी नेम रहेगा इसको आपको दे देना है। तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है। तो अभी हम एंटर कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस ले लेंगे सबसे पहले एंड राइट बटन क्लिक करेंगे एंड यहाँ से अभी आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो सेम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आपको राइट जनरेट एंड कंस्ट्रक्टर बटन पे क्लिक कर देना है एंड इसको दोनों को भी सिलेक्ट करना है। तो दोनों को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट डाउन पे क्लिक करना है एंड ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो भी आप देख सकते हो अभी हमने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अभी हम एक एक को मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, मीन्स ऑन क्रिएट व्यू होल्डर ऑन बाइंड होल्डर एंड गेट आइटम काउंट। तो अभी हम सबसे पहले गेट आइटम काउंट पे आ जाते हैं
एंड ये जो रिटर्न जीरो दिखाई दे रहा है इसको हम चेंज कर देते हैं। तो रिटर्न जो हमने यहाँ पे नेम लिखा था प्रोडक्ट लिस्ट, जितने हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे उतना ही हमारा रिसाइकलर व्यू का साइज रहेगा, इसलिए हमने एंटर कर दिया प्रोडक्ट लिस्ट डॉट साइज। ओके, ये होने के बाद आपको क्रिएट व्यू होल्डर में आ जाए। इसके बाद अभी हम लेआउट इन्फ्लुएटर का यूज करेंगे। तो लेआउट इन्फ्लुएटर, इसका नेम दे देते हैं हम इन्फ्लुएटर। ओके, तो आपकी मर्जी से आप कोई भी नेम दे सकते हैं। इन्फ्लुएटर इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लुएटर डॉट फ्रॉम। तो हम कहाँ से यूज करेंगे, जो हमने एम टी एक्स यहाँ पे सिलेक्ट किया है इसी कॉन्टेक्स्ट को हम प्रोवाइड कर देंगे एंड इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। एंड अभी हम व्यू को पास करेंगे, व्यू व्यू इज इक्वल टू इन्फ्लुएटर डॉट इन्फ्लुएट। एंड यहाँ से अभी हम जो लेआउट क्रिएट की थी लेआउट प्रोडक्ट्स इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, क्योंकि हमें रिसाइकलर व्यू में इसी को शो करना है। तो आर डॉट लेआउट डॉट प्रोडक्ट लेआउट प्रोडक्ट्स। ओके, ये होने के बाद आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आना है, इसलिए नल को प्रोवाइड कर देना है नल एंड इसको आपको क्लोज करना है एंड रिटर्न न्यू एंड प्रोडक्ट व्यू होल्डर को मैं पास कर देता हूँ प्रोडक्ट व्यू होल्डर व्यू। ये जो हमने यहाँ पे व्यू क्रिएट किया था इसको हम पास करेंगे। तो देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है प्रोडक्ट व्यू होल्डर का एंड गेट आइटम काउंट का। अभी हमारा वर्क बाकी है ऑन बाइंड होल्डर का, तो मैं इसको भी क्रिएट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो इस पर एंटर कर देता हूँ एंड मैं अभी प्रोडक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट प्रोवाइड की थी इसको हम बाइंड कर देंगे। तो प्रोडक्ट लिस्ट डॉट गेट पोजिशन एंड गेट में हम पोजिशन को प्रोवाइड कर देंगे एंड यहाँ से अभी इसको हम क्लोज करेंगे। एंड जो हमने होल्डर क्रिएट किए थे, ओके, तो इसको हम सबसे पहले होल्डर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू, तो जैसे कोई टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करेगा तो जो भी हमने टाइटल पास किए थे सेट टेक्स्ट प्रोडक्ट डॉट गेट टाइटल वो हमें टाइटल मिल जाएगा। एंड इसके बाद सेम होल्डर, ये होल्डर कहाँ से आ रहा है, जो हमने यहाँ पे होल्डर प्रोवाइड किए थे बाय डिफॉल्ट, इसलिए हम होल्डर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, होल्डर डॉट इमेज व्यू डॉट सेट इमेज ड्रायबल। तो अभी हम एम टी एक्स को प्रोवाइड कर देंगे। एम टी एक्स कहाँ से हम इमेज लेंगे, गेट रिसोर्स डॉट गेट ड्रायबल प्रोडक्ट डॉट गेट इमेज। ओके, ये होने के बाद अभी आपको होल्डर पे सिलेक्ट करना है इसको। होल्डर डॉट कार्ड व्यू सेट ऑन क्लिक लिस्नर। ओके, न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। तो अभी आप देख सकते हो अभी हमारा ऑन बाइंड व्यू होल्डर का भी वर्क हो चुका है। तो मैं आपको इस कोड को भी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट लिस्ट को यहाँ पे बाइंड कर दिया है। ओके, एंड जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू इम्प्लीमेंट किए थे, तो मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये जो टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू एंड कार्ड व्यू, ये जो हमने प्रोवाइड किए थे लेआउट प्रोडक्ट्स में, उसी को ही हमने यहाँ पे बाइंड कर दिया है। एंड जैसे कोई कार्ड व्यू पे क्लिक करता है तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म होगी। मीन्स जैसे यहाँ पे जो कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है, जैसे इस पर कोई टैप करेगा तो कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी, तो हम लास्ट में डिक्लेयर करेंगे कि इस पर क्या वर्क होगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मेन एक्टिविटी में चले जाते हैं सबसे पहले। एंड यहाँ से अभी जो लिस्ट प्रोवाइड की थी प्रोडक्ट एडेप्टर में, इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे लिस्ट। एंड यहाँ से आपको प्रोवाइड करना है प्रोडक्ट एंड इसका नेम हम दे देते हैं प्रोडक्ट लिस्ट। यहाँ पे एरर शो हो रहा है, एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। तो अल्ट एंटर से आपको एंटर कर देना। तो जैसे अल्ट एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा।
अभी हम इस प्रोडक्ट लिस्ट जो हमने प्रोवाइड की थी इसका हम एरे क्रिएट करेंगे। तो इसके रिसाइकलर व्यू के नीचे आ जाएंगे एंड प्रोडक्ट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू, यहां से हम एरे पास कर देंगे न्यू एरे लिस्ट। ओके एरे लिस्ट एंड इसको सेम हम क्लोज करेंगे एंड यहां से अभी हम प्रोडक्ट लिस्ट डॉट एड न्यू प्रोडक्ट, जो हमने एडेप्टर में प्रोडक्ट पास किए थे प्रोडक्ट, देखो तो आपको मैंने बोला था मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो आप देख सकते हो ये जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है इसमें आपको आईडी प्रोवाइड करनी है, अभी हम टाइटल प्रोवाइड करना है, इमेज प्रोवाइड करनी है एंड लिंक प्रोवाइड करनी है। तो अभी हम एक एक प्रोवाइड करते जाएंगे। तो हम प्रोडक्ट में सबसे पहले आईडी डिक्लेयर करेंगे 1, तो देख सकते हो आईडी बाय डिफॉल्ट आया है, कहाँ से आया ये प्रोडक्ट से आया। ओके एंड सेकेंड हमें टाइटल प्रोवाइड करना होगा, तो टाइटल आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बुक 1, तो मैं सेम यहाँ पे दे देता हूँ बुक 1। तो आपको डबल कोट सबसे पहले दे देना है एंड यहाँ से आपको एंटर करना है बी डबल ओ के। ओके तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बुक को प्रोवाइड कर दिया। यहाँ से आपको कॉमा देना है, टाइटल तो अभी हमने प्रोवाइड किए, अभी हमें क्या प्रोवाइड करना है हम प्रोडक्ट में जाके सबसे पहले देख लेते हैं। अभी हमने इमेज प्रोवाइड करनी है, तो इमेज हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, ड्रॉबल फाइल से। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको इस इमेज को भी हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको ड्रॉबल में उसको सबसे पहले पेस्ट करना होगा। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो इमेज दिखाई दे रही है इसको मैं आपको दे दूंगा। तो मैं चला जाता हूँ अपने ड्रॉबल फाइल में एंड इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रोहित नेम, जो मेरा नेम है उसी नेम से इस इमेज को इम्प्लीमेंट कर दिया है एंड अभी हम क्या करेंगे ड्रॉबल को इसमें पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से एंड अभी ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए ओके पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अभी हम इस इमेज को सेट करेंगे, तो आर डॉट ड्रॉबल डॉट रोहित मीन्स जो भी हमें इमेज सिलेक्ट की थी वो हमने प्रोवाइड कर दी है। अभी हमें लास्ट एक बाकी है लिंक, तो आप देख सकते हो जो हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया था लिंक, तो यहाँ पे हम लिंक को भी प्रोवाइड करेंगे। तो लिंक हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, तो देखो जैसे कोई यूजर आएगा जैसे इस पर क्लिक करेगा ओके, तो एक एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए जिसमें हमें पीडीएफ को शो करना है। तो सबसे पहले हम पीडीएफ को फायरबेस में अपलोड कर देते हैं एंड बाद में इसको हम यहाँ पे लिंक देके इसको शो कर देंगे। ओके तो अभी हम सबसे पहले फायरबेस को कनेक्ट कर देते हैं। फायरबेस को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मेक श्योर इंटरनेट ऑन करना है, तो मैं इंटरनेट को ऑन कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंटरनेट को कनेक्ट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रोम में चले जाएंगे। तो क्रोम में जाने के बाद अभी हम फायरबेस सर्च करेंगे, तो हम वेट करते हैं सबसे पहले इस टैब को ओपन होने तक। तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ सर्च बार में फायरबेस। जैसे हम फायरबेस सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ लिंक ओपन हो जाएगी, तो मैं इस पर अभी क्लिक कर देता हूँ फायरबेस। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फायरबेस ओपन हो चुका है। ओके यहाँ से आपको जो भी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है वो जीमेल आईडी आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। अभी मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा सामने फायरबेस कंसोल का पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ एंड एंटर योर प्रोजेक्ट नेम दिखाई दे रहा है, इसमें हम नेम एंटर कर देंगे जो कि हमारा एप्लीकेशन का नेम है बुक ऐप एंड अभी हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अगेन हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट एन अकाउंट, तो हम डिफॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस क्लिक करेंगे एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे क्रिएट योर प्रोजेक्ट प्लीज वेट यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम जब तक ये प्रोग्रेस बार कंप्लीट नहीं होता तब तक हम वेट करते हैं।
तो अभी आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे फायरबेस ओपन हो रहा है। तो अभी मैं बुक ऐप का आपको दिखाई दे रहा होगा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो अभी मैं क्या करता हूँ एंड्रॉयड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पैकेज नेम एंटर करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट में चले जाना है एंड बिल्ड डॉट ग्रेडल पे चले जाना है एंड यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन आईडी इसको आपको कॉपी करना होगा क्योंकि यही आपका पैकेज नेम होता है। तो मैं कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर देता हूँ एंड अपने प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं फायरबेस के प्रोजेक्ट में आ चुका हूँ एंड यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देता हूँ जो भी हमारा पैकेज नेम था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। एंड माय एंड्रॉयड ऐप नेम में हम क्या करेंगे कोई भी नेम दे देंगे बाय डिफॉल्ट निक नेम बुक ऐप। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने बुक ऐप यहाँ पे एंटर कर दिया। अभी हम क्या करेंगे रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम रजिस्टर ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस रह रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड गूगल सर्विस जेसन। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी जेसन फाइल रहेगा वो डाउनलोड हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं डाउनलोड होने तक। तो हम डाउनलोड्स में चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी डाउनलोड्स में चला जाता हूँ एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा गूगल सर्विस ओपन हो चुका है। ओके तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी एंड अभी मैं प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ। यहाँ पे जो एंड्रॉयड है इसकी जगह हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे जो ऐप दिखाई दे रहा है इसमें हम पेस्ट कर देंगे जो भी हमारी सर्विस जेसन फाइल थी। ओके तो मैं ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे शो हो रहा है गूगल सर्विस जेसन। अगेन हम एंड्रॉयड में चले जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ये होने के बाद अभी आपको सबसे पहले सर्विस जेसन को क्लोज करना है एंड फायरबेस में आ जाना है एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐड फायरबेस एसडीके। तो आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी को भी पेस्ट करना होगा। तो डिपेंडेंसी को पेस्ट करने के लिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिपेंडेंसी प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो दिखाई दे रही है आपको फायरबेस इसको आपको सबसे पहले कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा एंड प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको बिल्ड डॉट ग्रेडल पे क्लिक करना है एंड इसको आपको स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है सर्कुलर इमेज व्यू इसके नीचे आपको फायरबेस की जो भी डिपेंडेंसी उसको आपको पेस्ट कर देनी है। तो मैं कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड अभी मैं सिंक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्रेडल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम अल्टरनेट वर्क करते हैं क्रोम पे। तो हम चले जाते हैं ब्राउजर में सबसे पहले एंड यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है एंड यू आर रेडी करके यहाँ पे मैसेज आ चुका है। अभी हम कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हम कंसोल पे आ चुके हैं। अभी आपको क्या करना है स्टोरेज पे सबसे पहले क्लिक कर देना है। तो मैं स्टोरेज पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम स्टोरेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फायरबेस का आप देख सकते हो लोड शुरू हो चुका है। तो अभी मैं स्टोरेज गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देता हूँ एंड स्टार्ट इन टेस्ट मोड ही हम रख देते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्शन तो करना नहीं है रिलीज नहीं करना है इसलिए स्टार्ट इन टेस्ट मोड रख दिया है। एंड यहाँ से अभी हम बाय डिफॉल्ट कोई भी नेम एंटर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपका रीजन अपना रीजन सिलेक्ट कर देता हूँ इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है रीजनल। तो मैं बाय डिफॉल्ट जो भी है इसको सिलेक्ट करूँगा एंड डन बटन पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेटअप क्लाउड स्टोरेज क्रिएटिंग डिफॉल्ट बकेट्स यहाँ पे आ रहा है। मीन्स हमारे ये बाय डिफॉल्ट जो भी क्लाउड स्टोरेज रहता है वो क्रिएट करके देगा। तो फायरबेस की यही सबसे बेस्ट है ये फ्री में हमें प्रोवाइड करता है कुछ लिमिट डेटा है। इसके बाद हमारे जब एक्टिव यूजर बढ़ जाता है फिर हम फायरबेस को परचेस कर सकते हैं बट स्टार्टिंग में हमें फ्री ही प्रोवाइड करता है। ओके तो यही सबसे इसकी बेस्ट क्वालिटी है। तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्टोरेज का पेज ओपन हो चुका है। अभी हम कोई भी फाइल अपलोड करते हैं तो अपलोड फाइल पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ से जो भी फाइल है वो यहाँ से हम अपलोड कर देंगे। तो आपके मर्जी से जो भी आपको शो करनी है पीडीएफ फाइल उसको आप अपलोड कर सकते हो। तो मैं
जो स्टोरी होती है उसको अपलोड कर देता हूँ। 100 मोलर स्टोरीज फॉर किड्स जो कि बच्चों के लिए होती है इसको मैं अपलोड करूंगा। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ एंड ओपन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अपलोड हो रही है, यहाँ पे प्रोग्रेस बार शो हो रहा है पेंडिंग, एंड ये जो फाइल है यहाँ पे साइज भी शो होती है 2.43 MB। तो हम वेट करते हैं जब तक अपलोड नहीं होता है। तो अभी आप देख सकते हो अभी हमने यहाँ पे इस फाइल को अपलोड कर दिया। अभी आपको क्या करना है, इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ सबसे पहले एंड ओपन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे जो भी हमारा पीडीएफ फाइल रहेगा वो ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल शो हो रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने पीडीएफ फाइल अपलोड की अभी कम्प्लीटली शो हो रही है। इसको आप स्क्रोल करके देख सकते हो जितने भी पेजेस की आपकी पीडीएफ फाइल है, यही पीडीएफ फाइल हम शो कर सकते हैं हमारे ऐप में। तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना होगा, इसके यूआरएल को कॉपी करना होगा। तो यूआरएल को कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल सी यहाँ पे करना है एंड अपने प्रोजेक्ट में चले जाना है। एंड जो मेन एक्टिविटी डॉट हम जावा पे वर्क कर रहे थे इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जो लिंक दिखाई दे रही है इसमें आपको उस लिंक को प्रोवाइड करना है। ओके, तो आप देख सकते हो हमने लिंक को प्रोवाइड कर दिया है। तो मैं अभी इसको एक एक डिवाइड कर देता हूँ। आईडी यहाँ पे अच्छे से शो होने के लिए आईडी, टाइटल, इमेजेस एंड लिंक। ओके, तो मैं इसको एंटर एंटर करते जाता हूँ। हमारा एक बुक वन का तो कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। तो आप देख सकते हो जैसे हम कोई भी यूजर बुक वन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, उसको ये इमेज शो होगी जो यहाँ पे हमने रोहित के नेम से इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज शो होगी। एंड जैसे कोई उस पर क्लिक करेगा, मतलब बुक वन पे क्लिक करेगा, तो जो हमने यहाँ पे फाइल अपलोड की है वो शो हो जाएगी। जैसे आप कोई अगेन आप सेकेंड यहाँ पे फायरबेस में जाके कोई अपलोड कर देते हो, बुक ऐप में कोई सेकेंड फाइल अपलोड कर देते हो पीडीएफ फाइल, एंड उसकी भी आप लिंक कॉपी कर देते हो एंड बुक ट्यूब में इम्प्लीमेंट कर देते हो तो उस पीडीएफ उसमें शो हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसे हम 7 जो भी बुक है उसको हम कॉपी एंड पेस्ट करते जाएंगे। मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज नहीं किया इसलिए हम सबसे पहले इसको क्लोज कर देंगे एंड यहाँ से हम एंटर करते जाएंगे। एंड इसको मैं यहाँ से तो यहाँ तक इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे हम एंटर करेंगे कंट्रोल वी। अगेन हम करेंगे 7 टाइम हम कर देंगे, 3, 2, 4, 5 एंड 6 एंड लास्ट 7। तो हम बुक नेम जो भी रेम रहेगा टाइटल उसको भी चेंज कर सकते हो आप। तो मैं इसको बुक 2 कर देता हूँ, बुक 3 कर देता हूँ, बुक 4 कर देता हूँ एंड बुक 5 कर देता हूँ, बुक 6, बुक 7 एंड बुक 8। तो अभी आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका, हमने कम्प्लीटली बुक 7 क्रिएट कर दिए। तो आप यहाँ से कोई भी लिंक चेंज कर सकते हो, मीन्स फायरबेस पे अपलोड कर सकते हो एंड यहाँ पे इसमें लिंक पेस्ट कर सकते हो जो भी आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ से टाइटल को भी चेंज कर सकते हो, अपने इमेजेस को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे डिफरेंट इमेज आए, यहाँ पे डिफरेंट इमेज आए, यहाँ पे डिफरेंट इमेज आए, तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो। @ड्राइवर रोहित की जगह आप कोई भी जो भी इमेज रहेगी उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो एंड यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम इसको स्क्रोल कर देते हैं एंड यहाँ पे अभी हम अपना वर्क करते जाते हैं। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ एंड यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट एडेप्टर एंड नेम दे देंगे हम एडेप्टर इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट एडेप्टर। ओके, एंड यहाँ से इसके बाद हम धीस को प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि हम इस एक्टिविटी में एंड हमें किसको प्रोवाइड करना है, तो प्रोडक्ट लिस्ट को प्रोवाइड करना है, इसलिए हम प्रोडक्ट लिस्ट को यहाँ से हम प्रोवाइड कर देंगे एंड इसको हम क्लोज करेंगे सेमी कॉलन से एंड रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडेप्टर, हम एडेप्टर को भी प्रोवाइड कर देंगे
एंड जो हमने यहाँ पे एडाप्टर नेम लिखा था सेम इसको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे एडाप्टर। ओके तो हमारा फायरबेस का तो वर्क हो चुका है, इसलिए मैं इस फायरबेस को अभी क्लोज कर देता हूँ। तो मैं क्लोज बटन पे क्लिक कर देता हूँ एंड सेम इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ओके ये तो हमने इसको क्लोज कर दिए। अभी हम क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू के जो साइज है इसको हम फिक्स कर देंगे। ओके तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट हैज फिक्स साइज हम करेंगे ट्रू एंड इसके बाद अभी हम एंटर करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर एंड यहां से हम प्रोवाइड करेंगे न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। ओके एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे दिस। हमने लीनियर लेआउट मैनेजर क्यों प्रोवाइड किए, क्योंकि हमें सीधे सीधे जो भी हमारा रिसाइकलर व्यू था उसे हमें इम्प्लीमेंट करना था, इसलिए हमने लीनियर लेआउट मैनेजर को इम्प्लीमेंट कर दिया। ओके अभी हमारा मेन एक्टिविटी का वर्क हो चुका है। अभी हम प्रोडक्ट एडाप्टर पे चले जाते हैं एंड जो भी कोई कार्ड वी पे क्लिक करेगा, मीन्स जैसे कोई कार्ड वी पे क्लिक करेगा तो किस में जाना चाहिए, तो इसलिए हम इंटर्न यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं, मीन्स पीडीएफ डॉट जावा में जाना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ से पीडीएफ को ओपन करना है जैसे हम कोई कार्ड वी पे क्लिक कर देते हैं। ओके तो मैं यहाँ से इंटेंट पास कर देता हूँ, इंटेंट एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, इंटेंट का यूज करना होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इंटेंट को प्रोवाइड कर देता हूँ। इंटेंट आए न्यू इंटेंट एंड व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट कॉमा पीडीएफ जो भी हमारा क्लास का नेम रहेगा, मीन्स जिस भी एक्टिविटी में जाना है। तो अभी हम अभी तक हमने पीडीएफ के नेम से कोई भी एक्टिविटी क्रिएट नहीं की, इसलिए मैं अभी इस पर राइट क्लिक कर देता हूँ, पैकेज नेम पे न्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ एंड एक्टिविटी चूज कर देंगे हम एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको एक्टिविटी का नेम एंटर कर देना है, तो मैं पीडीएफ दे देता हूँ एंड फिनिश बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेडल सिंक इन प्रोग्रेस शो हो रहा है, मीन्स यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। तो अगेन हम प्रोडक्ट एडाप्टर में आ जाते हैं सबसे पहले एंड हम वेट करते हैं तो सबसे मेन ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है एंड मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ पीडीएफ डॉट क्लास एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, ये जो इंटेन है इसके नेम की जगह आई डॉट पुट एक्स्ट्रा हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइटल भी शो करना होगा। तो टाइटल यहाँ से मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, टाइटल कॉमा प्रोडक्ट लिस्ट डॉट गेट पोजिशन डॉट गेट टाइटल एंड हम इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे। ओके एंड अगेन हम आई डॉट पुट एक्स्ट्रा सेम हम प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर देंगे, प्रोडक्ट कॉमा प्रोडक्ट लिस्ट डॉट गेट पोजिशन डॉट गेट एंड पोजिशन को हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे एंड जो हमने लिंक सॉरी प्रोडक्ट प्रोवाइड किया था उसको हम टाइटल से सेट कर देंगे डॉट गेट टाइटल। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दिया, मीन्स इस सेमी कॉलम के अंदर चाहिए था इसलिए डॉट गेट टाइटल एंड इसको क्लोज कर देता हूँ सेमी कॉलम से। ओके एंड सेम आपको लिंक के लिए भी करना है, आई डॉट पुट एक्स्ट्रा लिंक कॉमा प्रोडक्ट लिस्ट डॉट गेट एंड पोजिशन डॉट गेट लिंक, क्योंकि हमें यहां से लिंक लेना होगा एंड यहां से हमें टाइटल लेना होगा, इसलिए हमने गेट टाइटल एंड गेट लिंक प्रोवाइड कर दिए एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देता हूं। तो अभी आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, बट यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है। तो इंट पोजीशन,
तो एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अभी हमने इसको फाइनल इंप्लीमेंट नहीं किया। तो मैं इसको फाइनल इंप्लीमेंट कर देता हूँ, फाइनल इसको फाइनल कर दे, इसलिए हम प्रोडक्ट को भी फाइनल करेंगे एंड इसके बाद हमारा जो भी एरर रहेगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एरर रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है। तो आई होप गाइस मैंने जो भी बताया इस वीडियो में आपको समझ में आओगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टूलबार को क्रिएट करने वाले, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।